ही तक भेजे हैं। एक और कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग किए थे उसमें एक और पार्ट बचा था हमने इस क्वेश्चन में, अगर आपको याद हाँ, होगा। वो एडी। हाँ, रेजिस्टेंस एडी वाला हमने एक करा था, एक बचा था। चलो देख लेते फटाफट, एक या इतना मेहनत क्यों करना यार जब मेरे पास ऑप्शन सारा अवेलेबल। शॉर्टकट में चलना चाहिए आदमी को हमेशा, फालतू में ज्यादा बड़ा बनने से कोई फायदा नहीं होता है ना। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। हमको लगता है कि हम लोग अच्छा खासा क्वेश्चन कर लिए हैं, अब थोड़ा सा शॉर्टकट मार सकते हैं। नहीं हाँ, कि क्वेश्चन करते ही रहना है, कैपेसिटी टाइप, लास्ट लास्ट तक रोते रोते देना। एलन वाला लेक्चर से काम चलेगा, जैसा अभी इलेक्ट्रोस्टैट से भेजे थे, हमको वो अच्छा समझाते हैं, भी पता है। अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं। अगर उस सब क्वेश्चन दो तीन बार आप बना लिए तो ऑलमोस्ट इस पेपर हिल जाएगा, अच्छे से हिलेगा। हर आधा टाइप, याद करने वाला ही रहता है। हाँ, और आधा लगातार डायरेक्ट आता ही, वैसा क्वेश्चन तो याद नहीं करेंगे, तो नहीं याद करूँ, हाँ, डायरेक्ट आएगा, आएगा तो डायरेक्ट आएगा तो नहीं आएगा। तो खैर उससे चीज थोड़ा फास्ट होता है, और कोई बात नहीं, ऐसे भी आप चाहो तो पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये होगा कि इधर से जितना टाइम लगेगा उधर से उधर मॉडर्न फिजिक्स सेमी कंडक्टर वैसे ही करना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स। ये हम लोग का 12th कब तक खत्म कीजिएगा? ऑफलाइन होगा 2 महीना, बहुत है 2 हफ्ते। अभी अगस्त से पहले 1 महीने का छुट्टी भी होगा, जुलाई में देखते हैं जुलाई में नहीं, अभी और शिफ्ट होगा हमको लगता है मेड या लास्ट जुलाई से अगस्त में हो। एकदम से नहीं करेंगे, कुछ कुछ लाइव क्लास लगाते रहेंगे। नवंबर तक हो जाएगा ना? हाँ, अगस्त हुआ, सितंबर टू नंबर बहुत आगे चल गया। हम लोग अच्छा खासा पार्ट कवर कर लिए, बड़ा बड़ा चैप्टर लगभग निकाल लिए। हाँ, तो दो चैप्टर हम लोग इधर से निकाल लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स का तीन लेक्चर, तीन चैप्टर एक साथ आप लोग देख रहे हो, एटम, न्यूक्लियर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो तीन में से ऑलमोस्ट 50% उधर भी हो गया, क्योंकि हाँ, पांचवा तीन लेक्चर जा लेक्चर चुका, बचा। छठा आज जाएगा, आज छठा जाएगा, आज नहीं कल, कल सैटरडे ना, कल जाएगा। संडे सैटरडे वही करेंगे। तो उधर से समझो 3, 2, 5 तो ऐसे ही निकल गया, बचा कितना? सेमी कंडक्टर बचा, अभी छोटा छोटा चैप्टर भी बचा है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर छोटा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बड़ा कौन कौन दिख रहा है? एक रे ऑप्टिक्स बड़ा दिख रहा है बस, और सब छोटा ही है। एक रे ऑप्टिक्स का टेंशन, तो हमको लग रहा है जिस तरह का लक्षण है वो भी उधर से मॉडर्न फिजिक्स टाइप से ही निकाल देंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत होगा, बहुत लेक्चर होगा उसमें, बहुत ज्यादा। अच्छे टीचर का मिलेगा। अच्छे टीचर का भी यही भी बात है, लेकिन वो नहीं होंगे, उनमें उनसे भी अच्छा टीचर होता है, वहां पे हर टॉपिक का अलग अलग टीचर है ना, अलग। तो ये वाला चलो देखो, ये क्वेश्चन तुम लोग कर लिए थे ए बी के अक्रॉस, अभी हम लोग करेंगे ए डी के अक्रॉस। मतलब एक आपने यहाँ लगाया और एक आपने यहाँ लगाया, ऐसा ही करा ना। अगर ऐसा करेंगे तो देखो ये वाला रेजिस्टर एक तरफ तो है, एक तरफ कुछ नहीं, तो ये गया, ये भी गया। अब बचा क्या? अब तो बड़ा सिंपल सा, ऐसे साफ साफ दिख रहा है, ये गया तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, क्योंकि ये भी गया हुआ है, तो ये क्या होगा 2R, ये क्या होगा 2R, 2R और 2R का पैरेलल में कितना होगा हाफ आर। अब ये आर आर और आर तीनों सीरीज में 3RN, कोई दिक्कत? या फिर से करके दिखाए, बताइए फिर। लगा ही था इतना ज्यादा, अभी तुम लोग डेवलप नहीं किए हो, इवोल्यूशन में बहुत पीछे हो गई। थोड़ा साल बाद होगा इवोल्यूशन। रीड्रॉ बस कर देंगे, देखो समझ में आएगा, ये गया, ये गया,
ये वाला ये है, ये दोनों है, देखो उसी तरह ये दोनों ये है और ये वाला ये है, कोई दिक्कत तो बताओ। कि ये वाला बेकार हो चुका और ये वाला बेकार हो चुका। हाँ ठीक है, ठीक है, ये 2R हो गया, ये भी 2R हो गया, ये R था, ये R था, 2R पैरेलल में तो R होगा। अब ये R और ये R तीनों सीरीज में होगा। हाँ। कोई कष्ट तो बताओ ना। नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हम सोच रहे हैं बायोलॉजी में यार कुछ साइड से भी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बड़ा स्लो हो गया हम लोग बायोलॉजी में। बायोलॉजी में एक और कुछ स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक तरफ वो हो गया, सोच रहे हैं एक तरफ से माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट कर देते हैं, छोटा छोटा चैप्टर निकलता चलेगा। ठीक फिर सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं, पैकेज वगैरह रह जाता है। किसमें? फिजिक्स में। अच्छा चलो ठीक है, फिर तो अभी रहने। ओह गलत हो गया, अभी देखो ठीक है। ए यहाँ है और बी यहाँ है और बाकी सब आ रहा। मत नाला करो यार। ठीक है, अभी देखो ध्यान से समझ में आ रहा होगा, ये यहाँ से करंट गया है, यहाँ से करंट निकला है। अगर आपको पूछा है आर ए बी, समझ में आ रहा है? अगर आपसे आर ए बी पूछा है तो यहां से करंट गया होगा, यहां से निकला होगा। देखो ध्यान से, सीरीज टू आर, सीरीज टू आर, समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, अभी ध्यान और ध्यान से देखना, जरा इसको रीड्रॉ कर ही देते हैं, तुम लोग फंस जाएगी तो हमको और टेंशन होगा। ये है ए और यहां है बी, ये 2R ये R पैरेलल में कुछ आएगा 4R/3, उसी तरह ये भी 2R और ये R 4R/3, कोई दिक्कत तो बताओ। सॉरी 2R/3 आएगा, 4R/3 कैसे लिखिए, ये तो रटे भी थे। बोलो ठीक है यहां तक? हाँ। अब देखो ये दोनों सीरीज में हुआ, ये दोनों सीरीज में दिख रहा, देखो जो करंट यहां से घुसा वही करंट यहां से भी आया, तो 2R/3 × 2 मतलब 4R/3, इन दोनों का भी कहानी खत्म। बोलो कोई दिक्कत? दिक्कत तो बोलो, दोबारा ड्रॉ करेंगे तो ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ये सीरीज वाला फिर से बताइए। अभी बताओ
इन दोनों के बदले टू आर बाई थ्री यहाँ लिखे, इन दोनों के बदले टू आर बाई थ्री लिखे, अभी दोनों सीरीज में है, फोर आर बाई थ्री, और ये फोर आर बाई थ्री और ये आर क्या है, पैरेलल। अच्छा ठीक है, पैरेलल में लेंगे तो जो भी आएगा, मान लो एक्स आया, वो एक्स इस आर के साथ सीरीज में है, बोलो हाँ। ये दोनों को लिए, ये दोनों को लिए तो आया एक्स, अभी वो एक्स इस आर के साथ सीरीज में, तो एक्स और आर का जो भी सीरीज में आंसर आएगा वो मान लो वाई आया, इनको हटाए, अभी एक्स और आर दोनों को हटाए, मतलब इस दोनों को हटाए और यहाँ पे एक और लगाए जो वाई का है, अभी वो वाई और इस आर क्या है आपस में, पैरेलल आएगा आंसर। समझ में आया कैसे करना है, करके दिखा, हो जाएगा ठीक है चलो। अभी आप बता रहे हैं तो हो जाएगा। हाँ तो इसलिए तो समझा रहे हैं। अगला वाला क्वेश्चन एक मॉडल क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है तो डायरेक्ट आता है तो नहीं आता, मॉडल क्वेश्चन। एक दो तीन चार, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा खास बात क्या है कि पिछले वाले में कुछ एंडिंग था लेकिन यहाँ एंड नहीं हो रहा, देख लो क्या हो रहा है, हम ऐसा दिखा रहे हैं कि ये सीरीज इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा है, कहीं रुका नहीं है, ठीक है, ये 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, मतलब सब 2R का है और ये सीरीज चलता ही जा रहा है, रुका ही नहीं, और यही प्रॉब्लम हो गया। अभी कहीं रुकता तो आप वहां से स्टार्ट करते और सीरीज को सॉल्व करते, बट इफ आई एम सेइंग कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे कुछ मॉडल प्रोसेस होता है जिसको आपको फाइंड आउट करना होता है। एक सेकंड जरा लाइन पे रुकना।
हाँ आवाज आ रहा है रोया? हेलो। हाँ ठीक है। तो ये इनफाइनाइट तक सीरीज चल रहा है, और इस तरह के सीरीज को सॉल्व करने के लिए एक मॉडल प्रोसीजर है। देखो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर ये सीरीज इनफाइनाइट तक चल रहा है, हजारों करोड़ों लाखों अरबों बार, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतना बार ये सेम सीरीज बार बार फॉलो हो रहा है, तो उस सेम सीरीज में से अगर हम एक किसी सीरीज को माइनस कर दे मान लो, तो क्या कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है? अगर इसको हम भूल गए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। मतलब 50,000 लाख बार ऐड हो रहा है, तो एक बार दो भूल ही जाएंगे तो कितने का अंतर पड़ेगा? बहुत छोटा सा अंतर पड़ेगा, इतना कि आप नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते, इतना छोटा। तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं है, नेगलेक्ट भी करने का दिक्कत नहीं। मतलब समुद्र में से एक बूंद पानी निकाली और बोल रहे हैं कि पानी कुछ वैसा। तो हम क्या किए कि इसको छोड़कर, एक सीरीज को छोड़कर, देखो एक सीरीज को छोड़े और उसके अलावा बाकी जितना भी होगा उसका हम एक आंसर मान लिए एक्स। इन सब का आंसर क्या माने हम? एक्स। ये एक को छोड़कर ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि चाहे मान लो जैसे 1 2 3 4 चार सीरीज यहाँ दिख रहा है, और ऐसा ऐसा अगर अरबों सीरीज है, तो मान लो अरब सीरीज में से एक सीरीज को अगर आप माइनस ही कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम ही आंसर आएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम पहले तो माने लेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स। लेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स, ऐसा मान लिया, ये अलग है, एक्स लिखा हुआ, इसको एक्स माना हमने। तो अभी हमको पता है कि इस पूरे का आंसर एक्स आएगा, तो चाहे इस पूरे का हम आंसर एक्स बोले या फिर उसमें से एक सीरीज को हटा के एक्स बोले, बात सेम ही आना है, क्योंकि एक सीरीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमने इस पूरे सीरीज को रीड्रॉ करा, टू आर टू आर टू आर, ये सब टू आर, और इस पूरे को हमने क्या मान लिया, अगर पूरा एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा, एक्स, ठीक है। और ये ए है और ये बी है। अभी हमको अपने आंसर से पता है कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, जरा बताना, टू आर इंटू एक्स बाई टू आर प्लस एक्स, टू आर इंटू एक्स बाई टू आर प्लस एक्स, ये ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, टू एक्स टू आर एक्स बाई, एक सेकेंड रुको, ये टू आर है कि टू ओम है जी, सब टू ओम था, गड़बड़ हो गया, सब दो ओम है, टू आर नहीं, तो दो दो वेरिएबल कैसे आ रहा है, सब टू ओम है, चलो तो टू टू एक्स बाई टू प्लस एक्स आएगा आंसर। और अब हमको ये भी पता है नाउ कि वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस टू प्लस एक्स बाई टू एक्स, ये समझ में आ रहा है? ओह सॉरी उल्टा कर दिया, नहीं उल्टा कहाँ किया, टू एक्स बाई टू प्लस एक्स ये आंसर आया, अच्छा सॉरी ये तीनों सीरीज में है ना, ये गड़बड़ हो गया ना, तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में होगा, समझ में आ रहा है, ये वाला टू, उसके बाद ये इसका जो इक्विवेलेंट आया, और ये तीनों सीरीज में, टू प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स प्लस टू, ये तीनों का इक्विवेलेंट भी कितना आएगा जरा बताना। अगर आप इस पूरे को एक्स माने हो तो उसमें एक सीरीज ऐड भी कर दोगे तब भी आंसर तो एक्स ही आना है। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा, और उसी क्वाड्रेटिक से इसका आंसर आएगा टू प्लस टू रूट थ्री। नहीं रटना भी है और साथ में समझ भी लेना है, क्योंकि प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, बट ये टू को थ्री कर दिया तब तुम क्या करोगे, समझ रहे हो अंतर क्या करेगा? तो इसके इसका प्रोसेस भी समझ लो, स्क्रीनशॉट लो इसको अच्छे से। अरे यार वापस कॉल आ रहा है।
चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल मेटेलिक वायर है जिसका रेसिस्टिविटी रो वन और रो टू है और पूछ रहा है कि इफेक्टिव रेसिस्टिविटी बताना है। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये मतलब मॉडल क्वेश्चन है, मॉडल मतलब इसका आंसर ही रटना है, वैसे हम बता भी देते हैं। और याद करो यही सेम क्वेश्चन कुछ हीट में भी आया था, याद आ रहा है 11th में, किसमें? हीट, हीट थर्मल फिजिक्स देखते हैं। आंसर देखो ना, आंसर देख के याद आ जाएगा तुम। आर रो इक्विवेलेंट आया है रो वन प्लस रो टू बाई टू सीरीज में और पैरेलल में आया है टू रो वन रो टू बाई रो वन प्लस रो टू। अच्छा हाँ याद आ रहा है कि? अच्छा हाँ बस बोल दे, याद आ गया, याद आ गया, तब ठीक है। देखो दो आइडेंटिकल मेटल वायर, रो से याद आया, इसलिए बोले थे याद करो। कई बार हम बोलते हैं फिजिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ आंसर याद भूल जाए, क्वेश्चन एकदम याद नहीं, इसीलिए क्वेश्चन पे भी थोड़ा फोकस रखना। ये आइडेंटिकल मेटालिक वायर है ठीक है, और टू आइडेंटिकल मेटालिक वायर जिसका रेसिस्टिविटी रो वन और रो टू है, आपसे रो इक्विवेलेंट पूछा है दो केस में। केस नंबर वन जब वो दोनों सीरीज में जुड़े हों जैसा कि ये दिख रहा है आपको, और केस नंबर टू जब वो दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, मतलब केस कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है सबका ए आर आर सेम ही है, देख लो आर सेम ही है, यहाँ आर ऐसा आर इक्विवेलेंट जो है। देखो तुमको रो के बारे में तो कुछ नहीं पता, बट हमको आर के बारे में पता है, हम जानते हैं आर इक्विवेलेंट होता है आर वन प्लस आर टू, पता है ना? आर इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं रो एल बाई ए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ? नहीं लिख सकते एक्चुअली, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अब इन दोनों का जरा कंबाइंड लेंथ देखो ना, इक्विवेलेंट के लिए टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2L. तो हमको यहाँ 2L लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू आर वन रो एल बाई ए प्लस रो एल बाई टू, रो 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 गया L by 2. रो कैसे उड़ गया, यही ना गड़बड़ हो गया, तो कैसे उड़ा दी, ये रो वन है और ये रो टू है, एल उड़ा एरिया, एरिया उड़ गया, तो साफ साफ दिख रहा है रो इक्विवेलेंट, यहाँ रो इक्विवेलेंट होगा, रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो वन प्लस रो टू बाई टू, कोई कष्ट हो तो बताओ। ठीक है अभी चला यहाँ आओ, हम सबको पता है यहाँ पे होगा वन बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, कोई कष्ट नहीं होगा यहाँ किसी को। अभी हम सभी को पता है आर इक्विवेलेंट वन बाई रो इक्विवेलेंट एल, क्योंकि लेंथ तो सेम ही है, लेकिन चूंकि आप इन दोनों को जोड़ दिए हो तो एरिया जस्ट डबल नहीं हो जाएगा? ओ, इसमें डबल एरिया हो। ये प्रूफ हम वहां नहीं कराए थे थर्मल फिजिक्स में, लेकिन प्रूफ एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ठीक है उसमें क्वेश्चन ऐसा थोड़ी ना था, उसमें क्वेश्चन ही था, उसको वहां पे थ्योरी के पार्ट में दे दिए थे। तो जरूरत एक्चुअली में आंसर का ही होता है, बट अभी भी हम बोले कि मॉडल क्वेश्चन है, बट ये 12 था तो हम रिस्क नहीं लेते। रो वन एल बाई ए प्लस वन बाई रो टू एल बाई ए, एल 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 गया ए ए गया, ये टू ऊपर आएगा, समझ में आ रहा है? तो क्या बना टू बाई रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाई रो वन प्लस वन बाई रो टू, कोई कष्ट हो तो बताओ। ओके अभी जरा देखो इसको एक और तरीके से सोच सकते हैं, एक और तरीके से रुकने, रुके तो रुको आराम से रुकते हैं, वेटिंग आगे सॉल्व कीजिए ना, आगे सॉल्व क्या करना है, यही एक तो इसको याद रखना है और इसी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये रो इक्विवेलेंट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रो इक्विवेलेंट बाई टू इज इक्वल टू रो वन प्लस रो टू,
बोलो कैसे लिख दिया हमने, हाँ कुछ गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी ना, तो गड़बड़ कर दी। कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि डाउट ना हो। देखो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रो वन प्लस रो टू बाय रो वन रो टू बाई रो वन रो टू, इन दोनों कैल्सियम। उसके बाद अब देखो इसको इधर लेकर जाओ, टू रो वन रो टू बाई, इसको नीचे लेके आओ, रो वन प्लस रो टू इज इक्वल टू, इसको उधर लेकर जाओ, बताओ कोई कष्ट है तो। ठीक है। बस हो गया, इतना सा के लिए टेंशन ले रही थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो, अगला बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस 18 ओम इज बेंड टू द फॉर्म ऑफ सर्कल, बेंड द फॉर्म सर्कल इफेक्टिव रेसिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। कोई एक वायर है सर्कल के फॉर्म में, मोड़ दिए, इस वायर का टोटल रेसिस्टेंस कितना है 18 ओम, दो पॉइंट लिया, ये एंगल दिया 60 डिग्री, इसको बोला ए इसको बोला बी, और आपसे पूछ रहे हैं इफेक्टिव रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी बताना है, पॉइंट आर ए बी। कुछ नहीं सोचना है, चुपचाप यहाँ पे एक वायर लगाइए और यहाँ से करंट निकाल दीजिए। अभी आपको साफ साफ दिख रहा है करंट यहाँ पे जाने के बाद दो रास्ता, या तो यहाँ से जो करंट आया या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, समझ में आ रहा है? बोलो। ऐसा 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 घूमता हुआ एक यहाँ से निकल गया और एक यहाँ से सीधा निकल गया, मतलब करंट डिवाइड हो रहा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बाकी का किसमें है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आर इन पैरेलल, समझ में आ रहा है? बोलो पैरेलल कैसे, समझ में आया या नहीं ये बताओ ना बस। ठीक है तो चलो फिर, कोई टेंशन ही नहीं, अभी क्या हुआ, बहुत हल्ला और अच्छा, कोई बात नहीं, बच्चा लोग WWF कर रहा होगा। खुद सोचो टोटल पूरे कंप्लीट सर्कल के लेंथ में रेसिस्टेंस 18 ओम, तो सिर्फ 60 डिग्री में कितना होगा, पूरा कंप्लीट सर्कल मतलब 360 डिग्री अगर वायर है तो उसमें रेसिस्टेंस 18 ओम, तो 60 डिग्री में कितना होगा, तो बोलेंगे 60 बाई 360। बोलो। चलो तो ये हुआ 3 ओम, मतलब इसका रेसिस्टेंस 3 ओम, तो इसका कितना, से माइनस कर दीजिए 15। बात तो खत्म हो गया, अभी आर इक्विवेलेंट निकालना कौन सा पार्ट है, क्योंकि पैरेलल है, 3 × 15/18, 6 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 2.5 ओम। कोई कष्ट तो बताओ ना। नहीं, चलो ठीक है, आज तो किसी को कष्ट हो ही नहीं रहा है। अगला 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 अगला, कोई मौका नहीं छोड़ना।
आर 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 सब है, और अब आपको बताना है आर इक्विवेलेंट। चलो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, नंबरिंग चलो, यहाँ वन यहाँ टू। अच्छा ये वन तो ये भी कितना वन, ये वन तो ये भी कितना वन, और ये वन तो ये भी कितना वन, क्योंकि सब प्लेन वायर जुड़ा हुआ है, समझ आ रहा है। बस एक ही ये पॉइंट है टू, मतलब जो भी रेसिस्टेंस है सब दो पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, एक पॉइंट है टू, एक रेसिस्टेंस आर का लगा दो, दूसरा भी आर का वन और टू के बीच में ही लगा दो, देख रहे हो वन और टू के बीच में, तीसरा भी आर का वन और टू के बीच में ही लगाओ ना, और चौथा भी आर का वन और टू के बीच में ही, ये लो। अभी कुछ सोचना है, आर 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 और आर, चारों आर पैरेलल में, आंसर इज आर बाई फोर, बोलो। हाँ ठीक अगला अगला आर ए बी निकालना है, कितना है, एक दो तीन, चलो ठीक है फटाफट से तीन ले लेते हैं। एक दो तीन, पहला तीसरा, पहला दूसरा के बाद, दूसरा तीसरा के बाद, पहला दूसरा के बाद, दूसरा तीसरा के बाद, ये है बी और ये है ए। देखो आर 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 हो गया। अभी देखो यहाँ ए वन दे दो, नंबरिंग कर रहा हूँ अभी, कलर चेंज कर देता हूँ, ये वन है वायर के थ्रू, ये भी वन। अच्छा रेसिस्टेंस क्रॉस के चेंज तो टू, और टू के में वायर के थ्रू फिर से, मतलब सारा रेसिस्टेंस वन और टू के बीच में ही लगा हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं, वन और टू के बीच में एक, टू और वन के बीच में एक, और फिर से वन और टू के बीच में एक, आर आर आर, तो कितना, कोई कष्ट तो बताइए। हाँ ठीक। अगला, ये एक स्क्वायर है, तो चलो स्क्वायर ही नहीं, इसमें क्या है, हमको कौन सा टेंशन है स्क्वायर, टेंशन तुम लोगों को होगा, हमको तो मजा ही आ रहा है। अच्छा दो वायर का लाइनिंग भी है, चलो ले लो कोई टेंशन नहीं, अब तुमको अपन तुम खुश है। चलो यहाँ इसको ऐसे ऐसे करने का मतलब क्या होता है पता है ना, ये दोनों यहाँ कनेक्ट नहीं है, पता है ना, नहीं नहीं पता तो भी याद रखना, यहाँ पे है ए और यहाँ पे है पॉइंट बी, एक यहाँ और एक यहाँ, 12 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 5 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 10 ओम, 20 ओम, चलो अभी बड़े ही शराफत से आपको बताना है आर ए बी। बी यहाँ है, अच्छा हाँ, ये है ए और ये है बी, और यहाँ पे तो ध्यान रखा जाए, ठीक है। अभी बड़ा ही तो तरीके से आपको सोचना है, देखो ऊपर वाला देखते हैं, ये दोनों सीरीज में समझ में आ रहा है, ये दोनों भी सीरीज में समझ में आ रहा है 20। अभी जरा देखो इन दोनों का दो पॉइंट, अच्छा ये भी तो होगा 30। अब जरा देखो इसको, जरा रीड्रॉ कर रहे हैं, जरा रीड्रॉ कर रहे हैं, खुद ही समझ में आ रहा होगा कि अगर ये वन है तो ये भी वन है, और अगर ये टू है तो ये भी टू है,
मतलब ये कि वन और टू के बीच में ये दोनों, ये भी दोनों वन और टू के बीच में ही, और ये भी दोनों वन और टू के बीच में ही, समझ में आ रहा है? ये तीनों तो पैरल हो गया, दोनों का दो ही पॉइंट है। ऐसा पहला रेसिस्टेंस 12 वोल्ट, उसके बाद तीन है, एक है 60 का, एक है, एक सेकंड लाइन पे, हाँ तो देखो ये 60 हो गया। अच्छा इन दोनों को देखो 20, क्योंकि ये भी वन और टू के बीच में ही है, 20 इसका देखो 30, वन और टू के बीच में ही है, और उसके बाद फिर ये तीनों, तीनों अब हिसाब से समझ आ रहा, तीनों पैरेलल है। सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 10, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 10। देखो अब ये जो 10 आएगा वो इसके और इसके साथ तो सीरीज में होगा, मतलब 10 3 13, 2 15 और 10, 10 13, 2 15 और 10 20, कितना है भाई, ये 12 है ना, ओ सॉरी ये 2 ओम, ये 2 ओम, 2 ओम और ये 3, तो 3 2 5 10 15, ठीक है? कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक ये समझ में आया ना कि ये तीनों पैरेलल कैसे हैं? ये पॉइंट हाँ देखना, ये और ये सब, क्योंकि वन वन टू टू सेम ही हो गया, ये भी वन और टू के बीच में है, ये भी वन और टू के बीच में है, ये भी वन और टू के बीच में है। चलो ऐसे भी 45 हो गया, टू कोई टू वन डाउट है तो बता। वन